प्रदूषण के चलते दिल्ली NCR में निर्माण कार्य बंद होने से मजदूर हुए बेरोजगार। रोजी रोटी के पड़े लाले मजदूरों ने किया जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। प्रदूषण के चलते पिछले एक महीने से दिल्ली और NCR में सभी निर्माण कार्य बंद है, जिसकी वजह से मजदूरों के सामने अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। और इसी को लेकर जंतर मंतर पर आज दिल्ली NCR से आए मजदूरों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य से पाबंदियां हटाई जाए। पिछले एक महीने से दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली और NCR की जनता को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से सरकार ने कई उपाय किए, जिनमें से सभी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनता को तो थोड़ी प्रदूषण से राहत तो मिली, लेकिन इसका खमियाजा मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। पिछले एक महीने से निर्माण कार्य बंद होने की वजह से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। और इसी को लेकर आज दिल्ली NCR से आए मजदूरों ने जंतर मंतर पर सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रतिबंध को हटाया जाए। मजदूरों का कहना है कि आज हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है, हम एक महीने से बेरोजगार है, रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, कर्ज लेकर हम जिंदा रहने को मजबूर है। हमारी स्थिति ये है कि हम गांव भी नहीं जा सकते, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे हमारे पास नहीं है, अब क्या करें। दीपक सिंह की रिपोर्टर। चलो रोल है भाई, एक बार नाम बताइए। भानु प्रताप सिंह। आप लोग यहाँ पर क्यों जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किस मांग को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? महाराज जी, सरकार से मांग यही है, एक महीना 10 दिन हो गया हम लोग खाली बैठे हुए, हमारे जितने भी लेबर मिस्त्री जो भी है सब अपने बच्चों के खाने से लेके इलाज तक के पढ़ाई तक के पैसे नहीं आ रहे, हम लोग बिल्कुल बेरोजगार आ गए, रोड पे आ गए, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से? कारण क्या है? कारण जी, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन काम रुकने की वजह से हमारी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ने के बाद बैन लगा दिया निर्माण कार्य पर, क्या आप लोग उसी जो पोल्यूशन का उसी के वजह से काम बंद हुआ? लेकिन अब कोई पोल्यूशन नहीं है, NCR में कोई पोल्यूशन नहीं, ना दिल्ली ना गुड़गांव कहीं भी पोल्यूशन नहीं, उसकी वजह से अब हम चाहते हैं कि सरकार से एक बार लगाते हैं कि हमारा काम चालू हो, फिर से हम अपना काम कर सकें। आप रोज दिहाड़ी मजदूर हैं तो कैसे काम चलता है, एक महीने कैसे गुजारा किया आप लोगों? हमारे डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं, अभी समय तो समझ लो कि कर्ज लेके करना पड़ रहा है, मांग के खर्चे पूरे करने पड़ रहे हैं, किसी से उधार, किसी से साहूकार से उनसे पैसे लेके जो छोटा मोटा अपना गहना है, जेवर है, बर्तन बेचने पड़ रहे हैं, उसे अपना काम चल रहा है। अगर ये स्थिति रही तो फिर आगे क्या होगा? हम लोग जी संसद भवन घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास घेरेंगे, ये धरना चलता रहेगा, ये अभी जंतर मंतर पे, ये फिर आगे विकराल रूप लेगा, रोड पे आएंगे हम लोग। मतलब जो निर्माण कार्य पोल्यूशन की वजह से बंद हो गए, उसकी वजह से आप लोगों की रोजी रोटी और रोजगार तीनों छिन गया जी। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। नाम रुक जाओ, नाम बताइए। चंपा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बुधियारी है। अच्छा, ये बताओ कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को जब से काम बंद हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? महीना डेढ़ महीना हो गया, हम लोग को खाने पीने के लिए सब चीज के लिए दिक्कत हो रही है, ठेकेदार कर्जे कर करके हमको खिला रहा है पिला रहा है, ये भी समस्या हल कर रहे हैं हमारा, वो भी कितना करेगा, जितना कर रहा है उतना कर रहे हैं।
कितनी परेशानी हो रही है आपके? छोटे छोटे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई कहाँ तक से करेंगे, अपना पेट नहीं भर सकते हैं तो बच्चे को कहाँ करेंगे, पाल सकेंगे बताओ? आप हमको काम दोगे, दो पैसे कमाएंगे जब तो हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर अपना बच्चे लोग हैं छोटा छोटा, उसको खाना पीना खिला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। अब बोलो, सरकार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से हमारा पेट भी भर नहीं रहे तो कैसे करेंगे? कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हो रहा है, एक महीना डेढ़ महीना हो गया जब से बैठे हैं। आप लोग सारे मजदूर हैं क्या? ना गांव में घर नहीं है ना खेती नहीं है। अब बोलता है सरकार बोलता है हम सब चीज व्यवस्था देंगे, लेडीज का भी बच्चे का भी, ऐसा बोलता है। ठेकेदार कितना तक से देगा? दे रहा है, बहुत दे रहा है। अब आप अपना कितना हमको हमारा तकलीफ देखिए, ठेकेदार दे रहा है पूरा कर्जे मर्जे कर करके सब हमको देख रहा है ठेकेदार, बहुत बढ़िया है हमारा ठेकेदार। कर्जा लेना पड़ रहा है, अब हमको भी बाल बच्चे के लिए खिलाना पिलाना है तो कर्जा लेना पड़ता है। हमको कर्जे वाला इतना परेशान कर रहा है, हमको पैसे दो या दो कुछ भी, अब बर्तन कम भी बिक गया, अब क्या करेंगे? अब कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास में, अब बच्चे को कैसे मुश्किल में पाल रहे हैं, वो भी तबीयत खराब है अभी वजह से, बहुत परेशान है। अब ना घर जा सकते हैं, घर में कुछ भी नहीं है, खेती बार नहीं है ना घर भी नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे? मतलब ना घर जा सकते हैं ना यहाँ पे रह सकते हैं? यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ दो आदमी कमाते हैं, चार आदमी का पेट पालते हैं। ठेकेदार को बच्चे हैं, बोलेंगे तंग करेंगे तो अभी कहाँ तक से जाएंगे? अब सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या, प्रदूषण हटाने के लिए बोलने चाहते हैं, प्रदूषण हटाने हमारा बाल बच्चे शुरू हो जाए। हमारा ठेकेदार भगवान की तरह है, वो भी अपना बाल बच्चे करके अपना रोजी अपना बच्चे को करके हमको खिला पिला रहा है, बहुत अच्छा है हमारा ठेकेदार। ठीक है।